हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, ट्वेल्थ परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर गया हूँ, जो कि आप लोगों को 2024 परीक्षा के व्यू से है। और ये आप लोगों को जो मैं आज ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, वो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में 100% एकदम पूछा जाता है। यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग हमारे साथ बने रहे और एग्जाम हॉल में ऐसा ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें जिससे आप लोग फोड़ डालेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग सब्जेक्टिव में अगर हर चीज़ में आप लोग नंबर लाना चाहते हैं तो हम लोग वीडियो के बीच में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या कर ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है? तो ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? VS/VP होता है। कहिए कि सर क्या होता है? तो सेकेंडरी वोल्टेज बाई प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है ना, सेकेंडरी वोल्टेज बाई प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? तो जब देखिए परिपथ का कह रहा है जो गुण है विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है तो वो प्रतिरोध होता है। कौन होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, जिसके कारण धारा कम प्रवाहित होने लगता है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन की नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का हम लोग उपयोग करते हैं। विद्युत हीटर में हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, कौन सा पदार्थ का? तो हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। आगे क्या कर रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? तो W=mv1 - sin θ होता है कि W=mv sin θ होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होता है आप लोगों को 1 - cos θ। W=mv 1 - cos θ होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या करना है? यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। क्या करना आप लोगों को? 60 × 40 बटा में 60 + 40, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा 2400 और नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है ना। जोड़िएगा तो 2 × 0 = 2 24 वाट आएगा। क्या आएगा? 24 वाट आ जाएगा। श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 24 वाट आएगा। नेक्स्ट विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R होती है। V²/R ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है? डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर है? तो डायनमो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जनरेटर को हम लोग डायनमो कहते हैं। तो वो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट हमारे पेशेंट कह रहा है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे? तो हम लोग करते हैं F·Q·E·V·×B·, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। F·Q·, ठीक है ना, E·V·×B·। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है? RC का विमीय सूत्र क्या होता है? RC यानी कि प्रतिरोध और संधारित्र के विमीय सूत्र क्या होता है? तो वो हो जाएगा आप लोग को M·0, L·0 और T, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए टी होता है, ऐसे तो केवल टी भी कह सकते हैं कि एक होता है गुने टी करिएगा तो एक गुने टी तो टी ओ हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, ठीक है ना, एक AC स्रोत जुड़ा है, मतलब अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यावर्ती धारा जुड़ा है। तो धारा का शिखर मान महत्तम कब होगा? तो धारा का शिखर मान जो हमारे पेशेंट वो हो जाएगा ω=1/√LC। आप लोगों को ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल के शहरों में गर्दा मचा के आएंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता जो है 440 वोल्ट है, तो इसका आभासी क्या हो जाता है? तो मैं इसका सूत्र आप लोग को मैं बता देता हूँ। इसका हो जाता आप लोग को ζ=, ठीक है ना, या पर इसका आभासी बोलता तो ζ=ζ₀/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिखर वोल्टता इतना दे दिया, कितना दे दिया है तो 2, इसको हम लोग कर देंगे गुने 220 वोल्ट अगर कर दिया बटा में √2। अगर हम लोग इसको लिखे तो इसको 2 बार हम लोग √2 लिख सकते हैं। तो 1√2 से 1√2 ख़त्म हो जाएगा, तो 1√2
और 220 वोल्ट बच जाएगा, तो एक रूट हो गया 220 वोल्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारेशन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, 25 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा। तो देखिए जिसका वाट जितना ही कम होता है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा ए। तो जो जो एक ये हो सभी का एकदम करेक्ट है, तो इसमें 25 वाट है तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि क्या होता है, तो हमारे डियर स्टूडेंट आप लोगों का करेक्ट है ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, तो रूट अंडर होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है ना तो वो मैक्सवेल थे, विद्युत चुंबकीय तरंग कहेगा तो मैक्सवेल हो जाएगा, ठीक है। 15 का आप लोग का एक मिनट, हाँ पुष्टि करने वाला विद्युत चुंबकीय तरंगों के, हाँ मैक्सवेल एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है 16 में क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, कैथोड किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन के समान होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक एकदम अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर, मेरा स्टूडेंट 461 नंबर तक ला चुका है ऑनलाइन पढ़ करके, और ऑफलाइन तो हमारा तो चलवे करता है, आप लोग ऑफलाइन वाला देखते होंगे शॉर्ट वीडियो में हम लोगों के पास स्टूडेंट जो भी है सो आप लोग देखते हैं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट की तरह आप लोग भी 450+ नंबर अगर लाना, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मात्र 399 में हम डायरेक्ट पैसा भी बोल देते हैं, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कराते हैं, फाइनल परीक्षा कोई भी परीक्षा हो एकदम आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में 5 प्रैक्टिस सेट। मेरा नंबर रहा 90-97-020-615, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, और आप लोग को जो भी डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें वायरल क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए तो यही मेरा नंबर है 90-97-020-615। क्या कर रहा है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, देखिए पानी का चर्चा किया है ना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वायु के अंदर जो चमकता हुआ जैसे ही दिख कहेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ रहा है, तारा टिमटिमाता है तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी होगी, तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फटाफट बताएंगे, तो 18 का हो जाएगा आप लोगों को f/2 आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, यदि लेंस की फोकस दूरी f है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझेंगे इसका क्षमता हो जाएगा 1/f डायोप्टर, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। मीटर में कह दिया, ये सेंटीमीटर में रहता तो ऑप्शन डी होता, लेकिन मीटर में कहेगा तो 1/f और सेंटीमीटर में कहेगा तो 100/f, ये भी याद रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो जब भी कांच के एक अवतल लेंस को जल में डुबा दीजिएगा, कांच के एक अवतल लेंस को जल में आप लोग डुबा देंगे तो वो अपसारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपसारी हो जाएगा, ठीक है ना, अपसारी हो जाएगा, क्या चीज़ में जल में डुबाइएगा। तो नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कह रहा है जब सूक्ष्मदर्शी की नाली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो वो भी बढ़ जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी मतलब दूरबीन हुआ, क्या हुआ दूरबीन, तो उसका जो होता है अंतिम प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टा होता है, आभासी एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो वो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण के कारण जो है कोई भी पतले फिल्म का रंगीन होना होता है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्धारित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सा है, व्यतिकरण की विवर्तन के ध्रुवन के अपवर्तन,
तो देखिए जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ होती है, निर्विवाद रूप से अगर अनुप्रस्थ होगी तो वह कौन सी घटना है, तो हमारे प्यारे सेंट वो घटना हो जाएगा आप लोग को ध्रुवन घटना होता है, ठीक है ना, टकराता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो 25 का आप लोगों को हो जाएगा पराबैंगनी किरण, क्या हो जाएगा पराबैंगनी किरण हो जाएगा, ठीक है ना। लाइमन श्रेणी कहेगा तो पराबैंगनी किरण मारना है, ठीक है ना। बामर श्रेणी कहेगा तो दृश्य मारना है, याद रखना है, लाइमन कहेगा तो पराबैंगनी और दृश्य कहेगा तो आप लोग बामर। यूरेनियम के नाभिक के घनत्व का परिमाण की कोटि क्या होता है, तो यूरेनियम का आप लोग जानबे करते परमाणु संख्या 92 होता है, चलिए बताएंगे। तो 26 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं 10^17 केजी प्रति मीटर क्यूब, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी ऑप्शन देखिएगा आप लोगों का क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा, कहिए क्यों, तो सूर्य और हाइड्रोजन जो है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और परमाणु बम करता है विखंडन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है कौन सा विधि से, तो नाभिकीय संलयन से, कौन सा नाभिकीय संलयन से, याद रखें हाइड्रोजन या आप लोगों को सूर्य कहेगा तो नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे, देखिए नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन, क्या कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्या करें, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है किस रूप में व्यवहार करता है, तो पूर्ण अर्धचालक के रूप में, पूर्ण चालक ये कैसे सर, तो देखिए परम शून्य ताप यानी कि आप लोग को कोई भी अर्धचालक जितना ज़्यादा ताप आइएगा वो चालक की तरह होगा, ठीक है ना, चालक की तरह, और जितना ज़्यादा अर्धचालक को ठंडा कीजिएगा वो कुचालक की तरह होगा। तो ये क्या है, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप मतलब 273 केल्विन पर अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये अर्धचालक से पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना, पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो वह पदार्थ है तो कोई भी पदार्थ है उसका ताप बढ़ाइएगा तो चालकता बढ़ जाता है, तो बताइए तो वो हो जाएगा आप लोग को अर्धचालक। अभी मैं तुरंत समझाया हूँ, कोई भी अर्धचालक होगा उसका ताप बढ़ाइए उसका चालकता बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन तथा विवर, तो ये कैसे सर, तो एन टाइप में आप लोग को इलेक्ट्रॉन हो जाता है निगेटिव, अब विवर होता है पी टाइप में प्रोटॉन, यानी कि आप लोग समझ गए पॉजिटिव विवर। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो कह रहा है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो कह रहा है, यानी कि आप लोगों को जो नीचे है से ऊपर चला जाएगा और एक के सापेक्ष, देखिए माध्यम एक के सापेक्ष क्या है, दो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति उसके दूरी तथा चलाने की दिशा का पता चलता लगता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की जो स्थिति या उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रडार, क्या कहते हैं रडार। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे सेंट, अब ध्यान देंगे, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांति कोण का मान होता है, तो प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य कोण, ठीक है ना, सामान्य क्रांति कोण का मान क्या होता है, तो जब भी प्रकाशीय तंतु और क्रांति कोण कहेगा तो आप लोग को याद रखना है 77 डिग्री एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो बंद पृष्ठ से जो निर्गत होगा यानी कि निकलेगा वह विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, सो पूछ रहा है, तो शून्य हो जाएगा, बंद कहेगा शून्य हो जाएगा, याद रखना है मेरे प्यारे, एक सेकेंड, बंद विद्युत फ्लक्स ना कह रहा है,
हाँ सुनने होगा, जब भी आप लोगों को बंद विद्युत फ्लक्स के अंदर बंद परिपथ के अंदर या सतह के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान पूछेगा शून्य मार देना है। नेक्स्ट, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसके? तो वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसके? तो वो होता है गोले के त्रिज्या के। कहिए कैसे सर? तो सी बराबर 4πε0 × r। 4πε0 क्या है? एक नियतांक है, तो अनुक्रमानुपाती r, c अनुक्रमानुपाती r चाहे c समानुपाती r, तो गोले के त्रिज्या के होती है, ठीक है ना, वायु में। नेक्स्ट क्या कर रहा है? किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम क्या चीज़ से? तो प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण से होता है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण ऊर्जा संरक्षण से होता है। तो ये हो जाएगा प्रथम नियम कह रहा है तो आवेश संरक्षण, और दूसरा नियम कहेगा तो ऊर्जा संरक्षण। याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है, गर्दन मचा देना एग्जाम हॉल के शहरों में। नेक्स्ट क्या कर रहा है? दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या हो जाएगा? तो दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी हम तो आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं, इसको 2 से काटिए तो 12 बार में शेषफल 1 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 6 बार में शेषफल 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 बार में शेषफल 0 आएगा, फिर 2 से काटिए 1 बार में 1 बार में 1 आएगा शेषफल, फिर 2 से काटिए यहाँ 0 यहाँ 1, यानी कि 1 1, देखिए नीचे से ऊपर जाना 1 1, फिर 0 0, फिर 1 है, फिर 1 है, यानी कि समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए आप लोग समझ गए हैं, हमारे पेशेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पेशेंट करेंगे, अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और इसका PDF डायरेक्ट आप लोग को टेलीग्राम पर जाएगा सीधे सीधे, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें। क्या कर रहा है? किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अक्षीय और निरक्षीय कह रहा है, तो अक्षीय और निरक्षीय जब भी कहेगा तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 2:1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? देखिए जब भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक है, तो द्वितीयक बड़ा हो जाता है ऊंचाई में, ठीक है ना, प्राथमिक छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये। जैसे ऊंचाई देखेंगे तो आप लोग याद रखेंगे कि बड़ा वाला बड़ा होगा, छोटा वाला छोटा, और ऊंचाई कहेगा तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट, तो आज आप लोगों को मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, यदि आप लोग चाहते हैं एग्जाम हॉल में अच्छा से अच्छा नंबर लाना, अगर हर सब्जेक्ट में 90+ लाना, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट अभी आप लोगों को ऑफर चल रहा है मात्र 399 में, आप लोगों को हर सब्जेक्ट का PDF नोट्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में प्रैक्टिस सेट, आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि कितना टक्कर देने वाला है। तो मेरा नंबर लिख लेंगे आप लोग 90 97 020 615, इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करें, आप लोग को पूरा के पूरा एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में 5 प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ आप लोग को मिलेगा, इम्पोर्टेंट, और 90+ यानी कि 450 नंबर आप लोग को झुकेगा ना, ये हर सब्जेक्ट में 90+। तो चलिए हमारे पेशेंट चलते आगे की ओर, कौन समीकरण सही है? तो देखिए आप लोग को यहाँ पर कितना है, 238 है, तो 238 से दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी जोड़ दीजिए, हो गया। फिर यहाँ 238 है तो यहाँ पर भी 38 हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब बात ये है मेरे पेशेंट कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, आखिरकार अब लगाएं तो किसको लगाएं? तो यहाँ पर यूरेनियम दे दिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम बराबर यूरेनियम नहीं होगा, थैलियम होगा, ऑप्शन नंबर बी इज एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ पेरेशन, अगर आप लोगों को लेना है PDF नोट्स तो आप लोग जरूर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें अभी से ही 90 97 020 615, और आप लोग को फ्री ऑफ पोस्ट कहाँ से तैयारी करना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों का लिंक दिया गया है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कहाँ से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे, जहाँ से आप लोग को पूरा फाइनल एग्जाम में आएगा। सभी प्यारे स्टूडेंट को क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, जैसे ही स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारे सभी डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ऊपर की स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप लोग को पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा, साथ में आप लोग को डेली टेस्ट यहाँ से लगता है, और क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू अपडेट में आप लोगों को पल पल की खबर मिलेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पत्र तैयार, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, और जो भी चाहिए सभी 100 मार्क्स इंग्लिश मॉडल पेपर, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, फिजिक्स का मॉडल पेपर, सभी मॉडल पेपर 2024 का आप लोग को यहाँ से आप लोग को मिल जाना तय है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग फटाफट आइए और विजिट कीजिए आप लोग स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए,
सभी चीज़ यहाँ से मिल जाना है। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पर जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों का लिंक दिया गया है। इतना पर जय हिंद जय भारत।